प्रोफेशनल्स की फील्ड देखें तो पाकिस्तान इतना लैग क्यों करता है इन कंपैरिजन टू आवर नेबरहुड इंडिया? क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी जो कंट्री है, उनकी जो गवर्नमेंट है, वो उनको सपोर्ट कर रही है, जबकि हमारे यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया जा रहा। इंडिया का अगर एजुकेशन सिस्टम देखें तो उनका मतलब टॉप लेवल में है वर्ल्ड में ना। और दूसरा, हर काम में तो करप्शन है, हर कोई भी काम तो सही से होता नहीं है, और इंडिया में जब के वो बहुत अच्छा मतलब के हर चीज़ वो एक उनका अलहदा से उनका एक इदारा है हर चीज़ के लिए। दूसरा, वो वेल पैशनेटिंग पर्सन हैं, उनको अवेयर किया जाता है और मोटिवेट किया जाता है। ये देख रहे ठीक है, हमने सिर्फ उनके साथ बंदूकों तक ही रखा हुआ ठीक है। इंडिया के बच्चे जब ग्रेजुएट होते हैं तो वो वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट गूगल का सोचते हैं। ये पाकिस्तान की तरफ से इतना नहीं होता जितना इंडिया की तरफ से ये चीजें होती है। मेरा टॉपिक है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, आईटी से रिलेटेड है। इस वक्त निजी यूनिवर्सिटी के बाहर है और यहाँ के स्टूडेंट्स सब जानना चाहेंगे कि आपका साया हिंदुस्तान आईटी का हब है पूरी दुनिया के अंदर। आईटी के जितने बड़े बड़े भी आप समझ लें जो हाउसेज है और जितने भी सर्च इंजन है, गूगल हो गया, ट्विटर हो गया, और ट्विटर का मेरा नाम एक्स है, और इससे रिलेटेड जितने भी बड़े बड़े सर्च इंजन और आईटी रिलेटेड हेडक्वार्टर्स हैं, उनके ज्यादातर सीईओज हिंदू हैं या इंडियन हैं। कहने का मकसद ये है, एक जैसे हम लोग हैं, हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इतना पीछे क्यों है? क्या इसकी वजह हमारा तालीमी निसाब है या इसकी वजह हमारा कुल जेन होना है? तो अब हम लोगों से बात करेंगे और जो जनरल ऑडियंस है, स्पेशली स्टूडेंट्स, उनसे उनका मौकफ जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, आपको क्या लगता है कि अगर हम आईटी प्रोफेशनल्स की फील्ड देखें तो पाकिस्तान इतना लैग क्यों करता है इन कंपैरिजन टू आवर नेबरहुड इंडिया? दुनिया के जितने बड़े बड़े अगर आप देख ले, गूगल देख ले, ट्विटर देख ले, तो आपको इंडियन प्रेजेंस बहुत मिलती है। व्हाई पाकिस्तान इज आर डिक्लाइनिंग, क्या वजह? इसकी वजह ये है कि सोशल मीडिया इट्स अ वेरी प्लेइंग अ वेरी बैक रोल इन द इकोनॉमी में हमारी बहुत ज्यादा आ रही है, सारा सोशल मीडिया की वजह से है। और जो हमारी यूथ है वो बहुत ही डीपैशनेट हो रहे हैं, मोटिवेशन नहीं है, और ये बाकी जो सोसाइटी की चीजें हैं उनमें बहुत इन्वॉल्वमेंट है। मुझे लास्ट में ये बताएं, इंडिया हमारे जैसे लोग हैं, कल्चरली काफी चीजें मिलती है हमारी, वो क्यों इतना आगे जा रहे हैं? क्या पॉलिसीज का अवेयरनेस बहुत ज्यादा है? दूसरा, वो वेल पैशनेटिंग पर्सन हैं, उनको अवेयर किया जाता है और मोटिवेट किया जाता है, और ये इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है हमारे सोसाइटी में, हमारे किसी भी चीज में ना गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल प्ले है। So you think यहाँ पे यूनिवर्सिटीज थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पे ज्यादा काम करती है एज कम्पेयर टू प्रैक्टिकल? या इट्स ट्रू, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है इधर, हो रहा बहुत कम हो रहा है, जो की बहुत लैकेज है। इसी की वजह से हमारा बहुत फॉल कर रहा है, हमारा जो कंट्री है इसलिए बहुत फॉल कर रहा है। चाइना डिपेंडेंस को कैसे देखती है? हम चाइना में जितना डिपेंडेंट होते जा रहे हैं आईटी में, उसका कोई बैकलैश तो आएगा? और जितने भी बड़े बड़े दुनिया के हेडक्वार्टर्स है रिगार्डिंग आईटी, गूगल हो गया, ट्विटर, इसमें सब में जो इंडियन प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। वाइल इन पाकिस्तान आप देखें आईटी के आपको इदारे तो नजर आते हैं, लेकिन आईटी प्रोफेशनल बहुत कम यहाँ पे। एक तो आईटी के उस तरह के एडवांस हमारे पास वो नहीं है, मशीनरी वगैरह नहीं है, और हमारे पास इतना कोई एडवांसमेंट्स नहीं है ना यहाँ पे पाकिस्तान में। और दूसरा, हर काम में तो करप्शन है, हर कोई भी काम तो सही से होता नहीं है, और इंडिया में जब के वो बहुत अच्छा मतलब के हर चीज़ वो एक उनका अलहदा से उनका एक इदारा है हर चीज़ के लिए, हर एक आईआईटी बॉम्बे मतलब वर्ल्ड फेमस है। हाँ जी, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में ज़्यादा एक तो ज़्यादा रटे हुए होता है, कंसंट्रेशन होती है, दूसरा होता है कि सिर्फ मार्क्स ले लें, स्किल से यहाँ पे किसी को कोई वास्ता है ही नहीं है। मैम, आपसे एक क्वेश्चन है कि पाकिस्तान अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो आईटी में हम लोग इतना लैग क्यों कर रहे हैं व्हाइल आवर नेबरिंग इंडियाज बिकम आईटी चाइल्ड? और जितने भी हम बड़े बड़े देखते हैं फर्म्स जो है आईटी से रिलेटेड, गूगल हो गया और एक्स हो गया, ट्विटर, उधर ज्यादातर इंडियन प्रेजेंस है, व्हाई वी आर लैगिंग इन इट? क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी जो कंट्री है, उनकी जो गवर्नमेंट है, वो उनको सपोर्ट कर रही है, जबकि हमारे यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया जा रहा। लेकिन अगर मैं देखूँ तो हम वर्ल्ड वाइड आईटी का 2% कवर कर रहे हैं आईटी बिजनेस का, जो कि बहुत मुश्किल से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन कमिंग ईयर में मुझे लग रहा है कि इसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है। आपको नहीं लगता हमारे यहाँ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पे ज्यादा काम होता है एज कम्पेयर टू प्रैक्टिकल? बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे यहाँ प्रैक्टिकल बिल्कुल भी काम नहीं होता, आप समझ लें कि 100% होता है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में आईटी जो फील्ड है उसमें इतना लैग क्यों कर रहे हैं? वाइल अगर हम कंपैरिजन में अपने नेबरहुड में देखें इंडिया, दे बिकम अ आईटी जायंट, उसकी रीजन क्या है और यहाँ पे क्या वजह है कि हमारा कोई भी बंदा बड़ी फर्म्स में नजर नहीं आता जो आईटी से?
नहीं, इसका तो बेसिकली यही है कि एजुकेशन सिस्टम में जो फॉल्ट है, तो मेन रीज़न तो वही है, क्योंकि आप इंडिया का अगर एजुकेशन सिस्टम देखें तो उनका मतलब टॉप लेवल में वर्ल्ड में ना, मेरे ख्याल से तो एजुकेशन सिस्टम में जो मसला है ना हमारे, क्योंकि आप तो यूनिवर्सिटीज़ में देखें तो वो लेवल ही नहीं है। बेशक आप आईटी के अलावा भी आप एमबीबीएस देख लें या और कोई फील्ड देख लें, तो उसमें भी आपको पाकिस्तान में कोई प्रोमिनेंट लेवल की पर्सनैलिटी नहीं एज कम्पेयर टू इंडिया नजर आएगी। बात है, क्या यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क नहीं होता? प्रैक्टिकल में भी ये मसला है कि इधर दरअसल वो वैकेंसीज ही नहीं है, मतलब इधर कोई जॉब का सीन ही नहीं है ना पाकिस्तान में। तो अगर आप हासिल कर भी ले तो जी आपके पास प्रॉपर प्लेटफॉर्म, जी प्रॉपर प्लेटफॉर्म की बहुत कमी है। बिल्कुल ऐसे ही है, प्लेटफॉर्म की भी कमी और लोगों को अपॉर्चुनिटीज वगैरह किसी चीज का भी कोई इतना आइडिया वगैरह नहीं है। आपको नहीं लगता हम क्रिंज कंटेंट और घटिया कंटेंट के पीछे ज्यादा चल पड़े? पता ट्यूटोरियल से पता बहुत कुछ। मसला यही है कि ओल्ड जो हमारा सिलेबस है वही फॉलो करा रहे हैं टीचर्स वगैरह, वही क्लास में आना है, वही मतलब उन्होंने वही स्लाइड वगैरह पढ़ानी है, कोई इतना मतलब ब्रॉड पर्सपेक्टिव ना बताना है ना सिखाना है। सर मुझे ये बताएं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हमारा जो कंट्री है, व्हाई वी आर लैगिंग इन इट? यूनिवर्सिटीज के तो कोर्सेज हैं लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंस बहुत कम है हमारी, लाइक 2%, 1%। अच्छा, ऑन द कंट्री माना इंडिया बड़ा मुल्क है लेकिन क्या वजह है? दे आर बिकम इकोनॉमिक आईटी जायंट, आईआईटी बॉम्बे देख ले, बैंगलोर सिलिकॉन वैली देख ले, मतलब दे आर ऑन द एवरी स्केल। क्यों आप लोग डाउन, मतलब इतना डाउन साइज क्यों? डाउन साइज होने की वजह से हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें यहाँ पे ज्यादातर प्रैक्टिकल वर्क नहीं करवाया जाता, वी आर नॉट इन द प्रैक्टिकल वर्क राइट नाउ। और उसके अलावा दूसरी बात यह है कि मतलब कि ऐसे कोर्सेज हैं जो कि सिर्फ बेसिक लेवल पे हैं। बेसिक लेवल मतलब ये कि आपको ना इतना ज्यादा स्किल वाइज नहीं बनाया जाता, एक्सपीरियंस नहीं दिया जाता। आपको क्या लगता है हमारी मेंटल एबिलिटी कम है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान तो सेम जनरेशन है? नहीं, मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छी है, हमें जो चीजें दी जाती है वो कम। आप मुझे एक चीज बताएं, अभी तक सिंध के अंदर कंप्यूटर साइंस का जो अंडर मैट्रिक है उसमें फ्लॉपी डिस्क पढ़ाई जा रही है, फ्लॉपी डिस्क ऑब्सोलीट हो गई है, क्या कहेंगे? देखिए जी, ये तो अभी हमारे गवर्नमेंट को ही सोचना चाहिए ना कि हमने आगे क्या क्या नए मौके बच्चों को फ्राहम करने। ठीक है, अभी हमारा जो नेबर है इंडिया देख रहे, ठीक है, हमने सिर्फ उनके साथ बंदूकों तक ही रखा हुआ। ठीक है, असल में वो जिस मिशन पे लगे हुए ना वो हमसे आगे जा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने हमें लॉलीपॉप पे रख लिया। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट ने लास्ट में, ब्रदर आप मुझे बता दो, आईटी प्रोफेशनल्स पाकिस्तान में अगर बन भी जाते तो दे डोंट हैव प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्टवेल वगैरह, देयर आर द आईटी प्रोफेशनल इन द पाकिस्तान, आई नो देम पर्सनली, आई हैव माय फ्रेंड्स लाइक ऑन फाइवर, अपवर्क, आई नो देम पर्सनली, बट दे आर वेरी प्रोफेशनल अबाउट देयर वर्क, बट द थिंग इज दैट वी डोंट हैव प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज फॉर ओवरवर्क। मैम मुझे बताए पाकिस्तान आईटी में इतना लैग क्यों कर रहा है, रीजन क्या है, क्या वजह, हम लोग क्यों इतना डिक्लाइन में अगर इंडिया के कंपैरिजन में देखें? एक तो पाकिस्तान में स्टार्टअप बहुत कम है, इंडिया में स्टार्टअप ज्यादा है, और उसके अलावा यहाँ के जो बच्चे हैं वो जब ग्रेजुएट होते हैं तो वो यहाँ पे सिर्फ 30,000 की जॉब का सोचते हैं, और जो इंडिया के बच्चे जब ग्रेजुएट होते हैं तो वो वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट गूगल का सोचते हैं, ये भी रीजन है। आपको नहीं लगता हमारे यहाँ थ्योरी पे ज्यादा जोर है, प्रैक्टिकल वर्क नहीं सिखाते? बिल्कुल, यहाँ पे और डिग्री करने का तो कोई फायदा ही नहीं है, स्किल्स आता ही नहीं है डिग्री से। आपको लगता है ट्यूटोरियल से स्किल आ जाते हैं यूट्यूब? बिल्कुल, हम खुद वहाँ से पढ़ के पेपर देते हैं, अभी मैं पेपर देके आई हूँ, इंडियन टीचर से पढ़ के आई हूँ, यूट्यूब पे पेपर दिए। रियली? या क्लास में टीचर्स की समझ ही नहीं, और हमारे टीचर्स भी उनसे ही पढ़ के हमें पढ़ाते हैं, और वही एग्जांपल्स भी पेपर में भी वही आती है। आपकी बात से मुझे लग रहा है कि हम जो चाइना पे डिपेंडेंसी कर रहे हैं अगर इंडिया पे कर ले तो ज्यादा बेहतर। सही बात है, आईटी के मामले में। सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में अगर हम रीजन वाइज देखें तो पाकिस्तान इतना लैग क्यों करता है, मतलब इंडिया, बांग्लादेश, एवरीबॉडी इज फार अहेड फ्रॉम अस, क्या रीजन है? दे बिकम द हब ऑफ आईटी स्पेसिफिकली इंडिया, और अगर पाकिस्तान की बात करें हम लोग यहाँ पे आज भी डिपेंडेंसी और चाइना टोटली। बिल्कुल ऐसी है, शुरू से है ना, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कोई खास नहीं है, यहाँ पे अगर आप देखें डेवलपमेंट शुरू से देखा जाए पाकिस्तान काफ़ी पीछे रह चुका है। इंडिया, बांग्लादेश, उन्होंने इस चीज़ पे अपने आप को काफ़ी ग्रोम किया, वो शुरू से इस चीज़ में लेके चलते रहे। आपको क्या लगता है पॉलिसीज की वजह, या मतलब इंडिया में पॉलिसीज अच्छी है या पाकिस्तान में पॉलिसीज उस तरह की फ्रेंडली नहीं है? बिल्कुल ऐसी है, पॉलिसीज भी है, गवर्नमेंट का अपना भी रोल है, बिल्कुल ऐसी है, गवर्नमेंट का अपना रोल है, गवर्नमेंट कभी इस चीज की तरफ ध्यान ही नहीं देती। अगर आप इंडिया का आप उनका बजट देखेंगे एजुकेशन का, उन्होंने बहुत ज्यादा बजट अपने एजुकेशन को सपोर्ट किया हुआ, आईटी इसलिए उनकी डेवलपमेंट है, यहाँ पे पेपर वगैरह यहाँ पे नहीं है।
सर मुझे ये बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, एक वास्ट सपर्ड नई एक चीज आई है जिसने पिछले एक सदी में तहलका बचा दी। हम एक पाकिस्तानी अपने रीजन में हिंदुस्तान, ठीक है बड़ी इकोनॉमी है लेकिन अब बहुत पीछे। उनका बॉम्बे IIT देख ले, उनका बैंगलोर की सिलिकॉन वैली देख ले, चेन्नई में देख ले, मतलब हर जगह दे आर ऑन द टॉप। और गूगल पे देख ले, ट्विटर पे देख ले, इंडियाज प्रेजेंस इज ऑलवेज देयर। हम कहां है, क्यों हम इतने मेहनत से भाग गए? देखिए मोस्टली ऐसा है कि हमारे यहाँ भी एजुकेशन सिस्टम है, हमारे यहाँ भी एजुकेशन सिस्टम है लेकिन उसके अंदर कुछ खामियां हैं जिसकी वजह से हम ग्रो नहीं कर रहे। उसके लिए क्या है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो शॉर्टकट ढूंढती है, स्ट्रगल नहीं करती। हमेशा वो ये ढूंढेगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें जिनसे हमें बेनिफिट मिले, और मेहनत को वो करते नहीं। इस ये जो पर्सपेक्टिव है हार्ड वर्किंग का, तो वो हमारे अंदर नहीं है जिसकी वजह से हम पीछे जा रहे हैं। दोनों से मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के अगर IT रिलेटेड हम देखें तो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड में सिर्फ 2% शेयर है और वो मेरे ख्याल में 90% में बैठे। क्या वजह? आबादी ठीक है ज्यादा है लेकिन प्रोफेशनलिज्म ज्यादा है और क्या उनका जो मेंटल एबिलिटी ज्यादा है, क्या वजह? एक तो ये एस्पेक्ट आ जाता है, इसमें पॉलिटिकल व्यूज भी है और रिलीजियस एस्पेक्ट भी आता है कि एक तो हमारे इस्लामिक कंट्री भी है तो इस वजह से भी वो लोग थोड़ा इस्लामोफोबिया आ जाता है बीच में। दूसरा ये कि हमारी पॉलिटिकल जो है ना पार्टीज वो करप्टेड है मेरे ख्याल से, तो वो जो पैसा हमारी आवाम पर लगना चाहिए या हमारी वेलबींग पर लगना चाहिए वो सारा कहीं और जा रहा होता है, तो इस वजह से मेरे ख्याल से हमारी यूथ लैग कर रही है। मुझे ये लगता है कि जो हमारे कंट्री में स्पेशली जो है वो मेरिट को एक जो बंदे लाइक इंटेलिजेंट होते हैं ना उनको आगे आने का मौका नहीं मिलता। अब वो उनके पास कोई रेफरेंस नहीं होता, कोई सिफारिश नहीं होती या उनके पास किसी किस्म का कोई अप्रोच नहीं होती, इसलिए जो रियल मेरिट बेस्ड इंटेलिजेंट लोग हैं वो पीछे रह जाते हैं, वो नीचे रह जाते हैं, और जो लोग जिनके पास रेफरेंस है, जिनके पास कोई जो है एबिलिटी नहीं है, वो लोग इस टाइम सीट्स में है। ठीक है, आप किसी भी जगह पे चले जाएं, लाइक हमारे पॉलिटिक्स में चले जाएं, किसी भी चीज पे, तो यही है कि जो जिनके पास रेफरेंसेज है, जिनके पास सिफारिशें हैं, वो लोग ऊपर जा रहे हैं, और जो लोग बिल्कुल जो है लाइक हैं या जिनके पास इंटेलिजेंस है कुछ भी किसी भी एस्पेक्ट से हम देख लें तो वो लोग नीचे हैं। इसी ही वजह है कि हमारे पाकिस्तान में जो है वो हर चीज बिल्कुल डाउन जा रही है और हमारे मुआशी हालात, हमारी हर चीज जो है वो डाउन जा रही है। लास्ट में छोटा सा बता दे, अगर हम कंपैरिजन करें हमारी टोटल IT डिपेंडेंसी और चाइना है, टोटल एवरीथिंग हुआवे इधर है, मतलब तो चाइनीज आपको ऐसे नजर आते मसला ही कोई नहीं। ठीक है, आपको नहीं लगता कि चाइना की डिपेंडेंसी से बेहतर है कि हम इंडिया से कोई ऐसी रीजनल कॉपरेशन कर लें कि जिससे, क्योंकि वो सेम लोग है, एक तो लैंग्वेज बैरियर भी होगा सबसे बड़ी चीज, एज कम्पेयर टू अगर वो है उससे तो हमारा लैंग्वेज बैरियर, हमें पता ही नहीं उनका कल्चर क्या, तो आप इसको किस तरह देखें? मेरा नहीं ख्याल है, बिकॉज वही बात आ जाती है, वो जितने इस्लामोफोबिक है तो वो पाकिस्तान के कभी एलाय नहीं हो सकते, मेरा नहीं ख्याल। बिल्कुल सेम यही है कि इंडिया के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, वो लोगों का जो माइंडसेट हो बिल्कुल हमारे साथ, हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इतना नहीं होता जितना इंडिया की तरफ से ये चीजें होती है, वो लोग हमेशा अटैक करते हैं, वार करते हैं, हर चीजें हम दोनों मुल्कों को बहुत बर्बाद बिल्कुल किया है, लेकिन पाकिस्तान जो है पाकिस्तान ने कभी जो है वो स्टार्ट नहीं है, हमेशा उनकी तरफ से स्टार्ट होता है, पाकिस्तान जिंदाबाद। ब्रदर मुझे ये बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, वो आजकल एक हर एक की जरूरत है, मोबाइल हर एक की जेब में, लेकिन इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान इंडिया, और अगर अब ये हम सब क्वार्टर डिजिटल देखें, हम लोग इतना लैग क्यों कर रहे हैं? यार आजकल की मतलब की हमारी जो नौजवान नस्ल है ना, वो मतलब की मोबाइल से वो फायदा नहीं उठा रही जो इंडिया के मतलब जो हुक्मरानों ने अवेलेबल कर रहे हैं। हमें हमारी नस्ल है वो जो आजकल वो टिकटॉक बनाने में वो मसरूफ है, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने में मसरूफ है, अपनी स्टोरी बनाने, स्ट्रीक डालने में, मतलब कि उन्हें इतना मतलब कि सोच नहीं है, एबिलिटी नहीं है कि हम भी कुछ करें, हम इतना पीछे रह गए हैं ये वो। इंडिया में जो है उनको ये स्कूल में ये बातें बताई जा रही है, उन्हें ये सहूलियात मैसर है बच्चों को बचपन से छोटे होते, इस वजह से वो मतलब कि उनका माइंड सेट किया हुआ उन्होंने वो चल रहे हैं। हमारे यहाँ पे इस तरह कोई माइंड सेट नहीं है, मतलब कि बच्चों आओ सबक दे दिया पर हो तो वो रट्टा सिस्टम लगाया, तो इस वजह से हमारे ना बहुत पीछे रह गया। जी नाजरी, जिस तरह आपने देखा आज हम एक निजी यूनिवर्सिटी के बाहर थे और यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स थे रिगार्डिंग उन्होंने IT रिलेटेड बड़ी जैसा कहते ना माइनी फेस बात है कि उन्होंने कहा पाकिस्तान का पॉलिसी जो माइंडसेट है कोई अभी तक क्रिएट नहीं हुआ। दूसरा कई स्टूडेंट्स ने इसमें एजुकेशन सिस्टम को बैरियर करा दिया, वो कहते हैं एजुकेशन सिस्टम इतना फरसूदा और इतना घिसा पिटा है कि उसके अंदर अभी तक हम लोग बस लिटरेचर पे ही बैठे हुए, हम लोग IT से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं पढ़ा रहे। कई स्टूडेंट से ये कहा कि पाकिस्तान अभी तक फ्लॉपी डिस्क पढ़ा, हालांकि फ्लॉपी डिस्क तो ऑब्सोलीट हो गई है, और हिंदुस्तान के बारे में अक्सर स्टूडेंट्स का ये कहना था कि रीजन ये है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है, और उन्होंने आज से करीबन 40 साल पहले इस चीज के बारे में सोचना शुरू कर दिया था और इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। वायरल पाकिस्तान अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड में देखें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो पाकिस्तान का शेयर सिर्फ 2% है,
और ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं होप करता हूँ कि पाकिस्तान के आईटी प्रोफेशनल्स अगर इस प्रोग्राम को देखें तो वो इंडिया के साथ एटलीस्ट कम्पीट करने की कोशिश करें या उसे सीखने की कोशिश करें। हम लोग चाइना मार्केट बनते जा रहे हैं, इस चीज को सोचना पड़ेगा। ये बाजार इकोनॉमी से हमें सेल्फ प्रोडक्टिव इकोनॉमी बनना पड़ेगा। बाजार इकोनॉमी क्या, एक चीज खरीदी उधर भेज दी, इस चीज को सोचना पड़ेगा। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक इंकलाब बर्पा करने के लिए पाकिस्तान के नौजवानों को और गवर्नमेंट को बिलखसूस अपनी पॉलिसियों का जो एक है ना वे वो स्टेट फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो उठो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अपना साझा कराना, तो इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।